इंट्रोड्यूसिंग माई फोन बुक, अब सब कुछ मिलेगा बस एक क्लिक पर। होटल्स, व्हीकल्स, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, मेडिकल सर्विसेज, शॉपिंग, इलेक्ट्रिशियन और भी बहुत कुछ। अब सर्च कीजिए कुछ भी, कभी भी, कहीं भी। डाउनलोड नाउ। आप देख रहे हैं बीजापुर समय, मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर में हजरत शेख अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्ला अलै दरगाह के उर्स शरीफ के मौके पर कव्वाली प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तारीखी और सूफियों के शहर बीजापुर के मशहूर औलिया इकराम में से एक हजरत शेख अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्ला अलै दरगाह का 306वां उर्स शरीफ बड़े ही अकीदत और शानदार तरीके से मनाया जा रहा है। इसी के चलते 22 जुलाई शुक्रवार को संदल मालिक की रस्म अदा की गई और शनिवार को उर्स शरीफ मनाया गया। इस उर्स शरीफ के मौके पर कव्वाली प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें बीजापुर के मशहूर कव्वाल दादा पीर चिश्ती ने अपने बेहतरीन कलाम के ज़रिए खूबसूरत समा बांधा। हजरत शेख अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्ला अलैह दरगाह के संदल व उर्स शरीफ के मौके पर ना सिर्फ बीजापुर बल्कि कर्नाटका के कई हिस्सों और महाराष्ट्र से बड़ी तादाद में जायरीन पहुंचकर अपने दामन को दुआओं और मुरादों से भर लिया। इस मौके पर बात करते हुए हय्यूम बख्शी ने हजरत शेख अब्दुल हमीद कादरी रहमतुल्ला अलै दरगाह के संदल व उर्स शरीफ और कव्वाली प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तमाम लोग बीजापुर के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ। जो है अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ चढ़ाया गया, आज जो है उर्स शरीफ है और आज जो है कव्वाली का प्रोग्राम भी है 7 बजे से 11 बजे तक। हर साल की तरह जो है इस साल भी जो है हज़रत अब्दुल हमीद रहमतुल्लाह अलैह का संदल शरीफ और उर्स शरीफ जो है बख्शी ख़ानदान की तरफ से चलता आ रहा है, इंशाल्लाह चलते रहेगा। और मैं तमाम लोगों से ये भी गुजारिश करता हूँ कि जो है इस कव्वाली के अंदर शिरकत अता फरमा कर कव्वाली का लुत्फ भी हासिल करें। और जो है कर्नाटक से भी और महाराष्ट्र से भी, बॉम्बे पूना से भी लोग यहाँ पे एक हफ्ते से कायम भी हैं और इनके दुआ में बहुत बड़ा असर भी है। और मैं तमाम लोगों से अर्पण ये गुजारिश करता हूँ कि हज़रत के बारगाह में आकर दुआ करें कि तमाम इंसानियत का खैर खाए हो। और जो है मैं भी दुआ करता हूँ कि हमारे बख्शी परिवार की तरफ से कि मुसलमान की जान माल आबरू की हिफाजत अता फरमाए, पूरे इंसानियत के जो है इंसानियत का खैर खाई हो और जो है जो बेरोज़गार है उसे रोज़ी अता फरमाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। और जो जो शादी के लिए जो उनको है नेक सोलियात जो है रिश्ते अता फरमा दे। और जो है
जो बीमार है उनको शफा अता फरमा दे। ये बाबा के दुआ से, अल्लाह के फजल से ये तमाम इंसान उनका खैर खाई हो जाए। आपका नाम? हय्यूम बख्शी। Yeah.
किसी यार के, तू किसी यार के, तू किसी यार के आगे हम झुकने नहीं। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।